हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है, मतलब वो दे दिया है हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीषें परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी दे दी है ना। हमारी आशीषें जो है हमें यहाँ हमारे आस पास ही है, हमें दिखती ही नहीं है। वो क्यों नहीं दिखती? क्योंकि हम मांगते रहते हैं, इसलिए वो हमें दिख नहीं पाती है। जब आप धन्यवाद करेंगे वो आपकी सारी आशीषें, सारी घटी कमी, किसी को चंगाई चाहिए, किसी को उनके जीवन में घटी कमी है, पैसों की आर्थिक घटी कमी, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को बुद्धि चाहिए, वो सारी आशीषें परमेश्वर ने हमें दे दी है। स्वर्गीय स्थानों की सारी आशीषें परमेश्वर ने हमारे लिए ही रखी है, अपनी संतानों के लिए रखी है। किसके लिए रखी है? हमारे लिए रखी है कि दुष्ट आत्माओं के लिए रखी है? हमारे लिए रखी है। लेकिन वो हमें मिल क्यों नहीं पा रही है? क्योंकि हम मांगते ही रह जा रहे हैं। प्रभु बोलता है कि बेटा मैं तुम्हें सारी आशीषें दे दिया हूँ। दी है मतलब वो दे दिया है, देगा नहीं कि प्रभु तुमको देगा तुम मांगो देगा, है ना। वो है सही बात है, जब हम वो जो मांगो तुम्हें देगा, वो किनके लिए? जो नए विश्वासी है, जो जानते हैं, जो नए भवन में आए हैं, वो उनके लिए है। लेकिन हम तो ऑलरेडी, हमको दे दिया, हम इतने परिपक्व हो चुके हैं कि हम जान चुके हैं कि परमेश्वर हमारे लिए दे दिया, क्योंकि क्रूस पे हमारे लिए इसलिए मरा कि हमें अपनी सारी आशीषें दे दे। तो हमें कैसे ग्रहण करना है? हमें आशीषों का द्वार हमारे जीवन में कैसे खुलेगा? जब हम धन्यवाद देंगे, धन्यवाद करके जब हम रिसीव करेंगे कि प्रभु तूने हमें दे दिया, तूने हमें अच्छी नौकरी दे दी है, पिता हम धन्यवाद करते, भले वो नौकरी आपको दिखे या मन दिखे, ये विश्वास का प्रकटीकरण है। आप धन्यवाद के साथ अपने नौकरी को ग्रहण करेंगे, परमेश्वर जरूर से आपके विश्वास को देख के और आपके धन्यवाद रूपी बलिदान को देख के वो विश्वास से आपकी नौकरी आपके पास चल के आएगी। क्योंकि वो नौकरी यही है, कहीं दूर नहीं है कि हम उसे मांग के बुला रहे हैं। वो नौकरी हमारी यही है, वो धन हमारे पास यही है, वो चंगाई हमारे पास यही है, क्योंकि परमेश्वर ने क्रूस पे हमें चंगा कर दिया है। वो इसलिए कोड़े खाए कि हम चंगे हो जाए, तो उसने हमें चंगा कर दिया है। तो चंगाई मांगने के लिए हमें बहुत रोना या गिड़गिड़ाना नहीं है, प्रभु ने हमें कर दिया है, बस हमें धन्यवाद देना है पिता की तूने हमें चंगा कर दिया है, है ना। जब हम उसे बोलेंगे कि प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु उसे बहुत आनंदित होता है। प्रभु की यही इच्छा है कि हम उसे धन्यवाद दें, परमेश्वर की यही इच्छा। परमेश्वर क्या चाहता है? उसकी जो वो जो चाहता था वो अपने बेटे पे उसने पूरा किया, है ना। वो जो चाहता था उसने अपने बेटों पे, क्योंकि वो जानता था कि हम उनकी संतान हम पूरा नहीं कर पाएंगे, हम मनुष्य हैं, कमजोर हैं, हम नहीं पूरा कर पाएंगे। तो उसने क्या किया? अपने बेटे को खड़ा किया ताकि वो पूरा करे सारी बातों को, हमारे पापा को ले ले, वो पूरा करे। हमें सिर्फ धन्यवाद देना है। प्रभु की, परमेश्वर की यही इच्छा है प्रभु यीशु मसीह में कि हम उसे धन्यवाद दें। प्रभु से बहुत आनंदित होता है, है ना। प्रभु को अगर प्रसन्न करना है मेरे प्रियो, तो धन्यवाद दे, दिन रात धन्यवाद दे, क्योंकि प्रभु एक ही बात से प्रसन्न होगा, धन्यवाद दे, बाकी किसी बात से आपके प्रसन्न नहीं होगा। सिर्फ धन्यवाद दे, धन रूपी धन्यवाद दे, समय रूपी धन्यवाद दे, मुंह से बोलकर धन्यवाद दे, दिन रात उसकी स्तुति करें धन्यवाद दे। जब हम उसके भवन आए हम धन्यवाद दे।